और इस बीच देहरादून से बड़ी खबर आ रही है। आपको देखिए उत्तराखंड में भी यहां पर दोहराई जा सकती है मध्य प्रदेश की पटकथा। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से ही सरकार को गिराया गया, कुछ विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे, उसके बाद बीजेपी की सरकार मध्य प्रदेश में बनी, तो यहां पर कैलाश विजयवर्गीय के यहाँ पर दून आगमन पर जानकारों ने ये कयास लगाने शुरू कर दिए हैं। कमलनाथ सरकार में बीजेपी ने यहाँ पर जिस तरह से विषाद को बिछाया था, बीजेपी उसी तरह से उत्तराखंड में भी फिर से एक बार जो है सरकार बना सकती है, अगर यहाँ पर बीजेपी के विधायक कम जीतते हैं तो। बीजेपी का दावा है कि यहाँ पर बीजेपी के संपर्क में कांग्रेस के 7 से 8 विधायक हैं जो जीत सकते हैं और वो चुनाव जो है जीतने के बाद बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, इस तरह का अनुमान लगाया जा रहा है। उत्तराखंड की राजनीतिक गलियारों में लगातार जो है इस तरह के सवाल सामने आ रहे हैं।